तो हे गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो ऋषभ पंत अपने परिवार को न्यू ईयर की सरप्राइज देने के लिए अपने घर दिल्ली वापस आ रहे थे। कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे थे और रात भर गाड़ी ड्राइव करने के कारण उनकी आंख लग गई थी, जिस वजह से गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा गई। गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी में एक बहुत ही खतरनाक आग लग गई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट नहीं पहने थे, जिस वजह से जैसे ही गाड़ी में आग लगी ऋषभ पंत ने गाड़ी का ग्लास तोड़ा और गाड़ी से बाहर आ गए। खुशी की बात तो यह है ऋषभ पंत अभी सेफ है, लेकिन ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज हुई है और ऋषभ पंत का इलाज दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार माना जाए तो ऋषभ पंत अभी एक साल तक कोई भी मैचेस नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ये साल ऋषभ पंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी कुछ ही महीने बाद शुरू होने जा रहा है आईपीएल और साथ ही साथ 50 ओवर्स वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें ऋषभ पंत का खेलना कंफर्म था, लेकिन इस एक्सीडेंट के कारण अब ऋषभ पंत कोई भी मैचेस नहीं खेल पाएंगे।